होशियार आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है फेक कॉल आ रही है आपके पास। कोई भी ऐसी कॉल आए जिसमें आपसे अपना ATM या कोई भी इस टाइप की पिन पूछा जाए तो उस वक्त नहीं करना। और आजकल तो एक नया लॉजिक आया है, एक नई कहानी आई जो कि मैं आपको सुनाऊंगा, जो मेरे साथ भी हुआ था और मेरे एक जानने वाले के साथ भी हुआ था। सीन ये हुआ कि हमें कॉल आई कि अब मैं उसका सीन ये हुआ कि हमें फला बंदा बात, अब मैं ही बात जो कॉल आई मैं पहले आपको इसका एक्सपीरियंस देता हूँ फिर उसके बाद उसका मैं एक्सपीरियंस दूंगा। तो हुआ ये सीन कि मैं बस कॉल आई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मैं डॉक्टर बात कर रहा हूँ। अब हर खानदान में, हर इंसान में मतलब कोई ना कोई डॉक्टर निकल ही जाता है, वो रिश्तेदार में हो या कोई भी हो। तो मेरे जी बोले बोले मैं डॉक्टर में पहचाना मैं, अब डॉक्टर का काम ये है ना कि हम ना एक हमारे जो सामने है हमारे जहाँ हम रहते हैं उसके बिल्कुल सामने एक डॉक्टर है मतलब उसको क्या प्यार किया कोई बंदा उसको डॉक्टर बोलते हैं, और वो डॉक्टर है नहीं मतलब वो शायद उन्हें बेरा जो भी मतलब उसको प्यार है लोग डॉक्टर बोलते हैं। तो वो है मैंने बोला, और उसका नाम इम्तियाज़ है। तो मैंने बोला इम्तियाज़, बोले हाँ हाँ मैं इम्तियाज़ बात कर रहा हूँ, डॉक्टर इम्तियाज़ बात कर रहा हूँ। तो मेरा अच्छा बोले बोले वो ना मुझको ना अभी मैं फला जगह में फंसा हुआ हूँ और ना मुझको ना पैसों की ज़रूरत है और ना मुझको 20,000 रुपये चाहिए और अभी मुझको चाहिए और तुम ना सेंड करता हूँ इसी नंबर में जेस कैसे। मैंने बोला इम्तियाज़ उसको पैसा चाहिए, अब उसका नंबर मेरे पास सेफ ही था। मैंने बोला साला उसका नंबर तो सेफ है मेरे पास था और उसको अपने नंबर से करने चाहिए या नॉन नंबर से कर भी रहा है और उसको पैसा चाहिए, मैंने बोला ऐसा हो गया या नो। तो मैंने क्या किया, कोशिश किया कि यार पैसा लूँ और उसको सेंड कर दूँ। तो मैंने अपना अकाउंट खोल करके मैंने उसमें उस नंबर में ऐड किया। तो जब ऐड किया तो वहाँ एक अजीब सा नंबर आया, उसका अजीब सा नाम आया, मेरा हो सकता किसी रिश्तेदार को। तो मैंने ना क्या किया, उस नंबर में सेंड कर ही रहा था कि इतफाक से ना मेरे घर से मेरे पास एक कॉल आ गई ना, किस्मत थी। तो मैंने घर से कॉल उठाई, मैंने बोला तो ऐसी इधर उधर ही बात हुई। तो फिर उसके पास से मैंने पूछा यार वो इम्तियाज़ है सामने, तो मैंने बोला हाँ है वो तो सामने खराब है, मेरी अम्मी से बात हुई थी तो वो आपस में कोई काम कर रहे हो वो आया होगा। तो मैं बात कर पाई, मैंने बोला इम्तियाज़ भाई क्या हुआ आप पैसे मांग रहे हो? तो बोले हाँ मैं पैसा मांगूँ, मैंने पैसा नहीं मांगा। तो बोले कि नहीं मैंने बोला मेरे पास तो कॉल आई थी आपने ऐसा ऐसा बोला था। तो उन्होंने बोला नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला। तो मैं खटका हुआ गया, ये तो फेक था कोई, मैं अभी 20,000 का चूना लग जाता मुझको। तो बहरहाल तो वहाँ से मेरी बचत हो गई और मैं बच गया। तो ऐसे ही मेरे अबू के जो मालिक थे उनके साथ हुआ था, मतलब मेरे अबू यहाँ कंपनी में काम किया करते थे, उनके मालिक के साथ हुआ था। तो उनके साथ यही हुआ कि उनका एक कंटेनर एक अपना उनके एक पार्टी थी, वहाँ पार्टियाँ हुआ करती, पार्टी से उसकी जाती दोस्ती आई थी, दोस्ती आई मतलब एक तरह का उनके अबू का दोस्त मतलब बिजनेस का ही दोस्त या मैं बोलूँ मालिक का दोस्त, मैं अबू के मालिक के दोस्त की खोल आई अबू के पास। बोला मैं फला बात कर रहा हूँ, डॉक्टर या कोई भी थी, मैं वो सुहैब बात कर रहा हूँ या मैं वो पार्टी वाला बात कर रहा हूँ। तो पार्टी वाला तुम परेशान है? बोले हाँ सुहैब भाई, हाँ सुहैब भाई, तो मुझको ना अभी 10,000 की ज़रूरत है, तो ना मुझको अभी सेंड करो इसी नंबर में जेस कर। उन लोग तो पैसे वाले थे तो उन्होंने सच करके ना सेंड कर दिया और सही हो गई। अब जो हम तो फिर भी जवान है ना, मैं तो फिर भी खच के हो जाते हैं, जो मतलब जिनकी उम्र हो जाती है उनको सही होगा मालूम नहीं होती, वो तो फिर भी फंस जाते हैं। तो उन्होंने फोटो में जेस कैसे उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया। और एक महीने बाद जब उन्होंने एक टाई दी गया, एक टाई को मैं तुम्हें वापसी कर दूँ, एक टाई जब आई टाई में जब उन्होंने बोला यार तुमने ना मुझसे ना 10,000 रुपये फला टाई को लिया था वो पैसा मुझको दे दो। तो वो जो सुहैब भाई है उन्होंने बोला भाई कौन सा पैसा मैंने दे दिया, तो मैं तुमसे ले लिया मैंने। तो मुका गया नहीं मैंने तो नहीं लिया था। बोले अच्छा ये फिर पता चला कि वो फेक जो उनके पास कॉल थी वो फेक थी। तो इस चीज़ से मैंने आपको कहानी बताने का मकसद ये था कि आप भी ऐसा कोई फसल को अक्सर मेल में भी आ जाता है कि यार इसमें अच्छा फ्रोथ हो रहा कैसे है, फ्रोथ या आपके जैसे मैंने बोला कि कोई भी आपको चूना लगा लेगा, या दूसरा ये फ्रोथ होने का तरीका है कि आपको बोलेगा यार मुझको ना फला फला चीज दे दो अपना ATM के कॉल दो। देखो एक आप अपना ATM डालते हो अपने ATM के अंदर अपना कार्ड को तो आपका पैसा आता है। इसके अलावा दूसरा तरीका भी होता है जिससे पैसा आपका निकल पाए, वो होता है आपके कार्ड का नंबर, आपका वैलिड नंबर उसका वहाँ का, और एक आपका पीछे का चार तीन लगे होगा कोड, मतलब तीन चार मतलब कार्ड किसी के पास हो तो उससे भी आप अपना पैसा निकाल सकते हो, आप ऑनलाइन परचेज भी निकाल सकते हो। किसी को ये चीज़ मालूम नहीं हो तो वो बस ATM से कर लो होता है। तो किसी को अपना कार्ड भी नहीं दिया करो, ऐसे हम दे देते हैं यार दोस्त यार हो या किसी को भी या फला या हमने ऑफिस में कोई काम करो उसको दे दिया जाओ पैसा निकाल के लाओ, हो सकता है वो कार्ड का नंबर वो नोट कर ले कहीं और वो किसी को भी या सेल करती है खुद से उस कार्ड से पैसा निकाल ले। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल किया गया कि किसी को भी अननोन बंदे को अपना कार्ड पैसा निकालने के लिए नहीं दिया गया।
और या कोई कॉल भी आती है तो उसमें भी कोई आपसे कार्ड का नंबर पूछता है, कोई बैंक आपसे कभी भी आपके पूरा कार्ड का नंबर नहीं पूछेगा और आपसे कोई भी चीज़ है नहीं पूछेगा, उसमें उनके पास ऑटोमेटिक उनका डेटा होता है। और यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ बैंक वालों के पास भी डेटा नहीं होता आपके कार्ड का, और कार्ड का डेटा सिर्फ आपके जहाँ कार्ड बनता है तो वहाँ सिर्फ आपको एक सीरिया वाइज बनता है। वहाँ ऐसा भी नहीं होता कि वहाँ सीन ये होता है कि ना एक चार वहाँ जैसे मसाले टो में चार चार आठ 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 सोलह, तो 16 मेरे चार नंबर फला मार्च मतलब फला टीम बनाएगी अपनी तरफ से, फिर चार नंबर फला टीम बनाएगी, चार नंबर फला टीम बनाएगी, चार नंबर फला टीम बनाएगी, और बनाते बनाते जो नंबर उसके ऊपर एक उनका टेप लगा दी जाती है कि वो नंबर की ओर ना देखे, ऐसे करके वो नंबर आपको क्रिएट किया जाता है और वो आपको दिया जाता है। तो वो जो कार्ड के ऊपर जो नंबर होता है ना भाई ATM का जो नंबर, वो नंबर आपका कोई भी आपका नहीं देखा होता है, यानी कि बैंक वालों के पास वो नंबर नहीं होता है पूरा, उसका पर थोड़ा थोड़ा हिस्सा होगा होता साइड वाला या ये वाला, वो नंबर किसी के पास नहीं होता, वो नंबर सिर्फ आपके पास होता है। तो वो नंबर किसी को पसीया नहीं किया गया, वो आपको फ्रॉड आपका हो सकता है। तो ये फ्रॉड करने के बहुत से तरीके, इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला कि फेक कॉल आ जाती है आपके, इनसे नंबर पूछा जाए तो नंबर नहीं दिया गया, और ऐसी आपका अच्छा एक और होता है कि अक्सर ऐसी वेबसाइट होती है जो कि बोलती है यार ये चीज़ आपका ऑफर निकल गया है, ये निकल गया, वो निकल गया, आप बस अपना ATM अपना बैंक अकाउंट बस खोलो बस हो जाएगा। तो वहाँ क्या होता है आपको अपना जैसे अपना ईमेल या अपने बैंक पासवर्ड आप वहाँ एंटर करते हो वैसे ही आपका बैंक अकाउंट खुल के निकल जाता है, और निकलने के बाद आपका जितना भी पैसा होता है वो उनके पास उनका एसेस चले जाते हैं, वो आपका ATM अपना बैंक अकाउंट अपना एसेस कर पाते हैं, और उससे आपका सारा जो भी पैसा है वो फ्रॉड हो जाते हैं, क्योंकि जो भी बैंक होते हैं ना भाई वो बैंक नहीं आप 10 लाख ही आपको क्यों ना 1 मिलियन ही क्यों ना फ्रॉड हो जाए, तो बैंक इतना जल्दी वापसी नहीं करता, और काफ़ी ज़्यादा मसले मसल के बाद आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो, क्योंकि वो सारे जो फ्रॉड हुए वो आप खुद के साथ हुए के साथ खुद ही सेंड किए, तो उससे कोई भी बैंक का कोई ताल्लुक नहीं होता तो ये पॉलिसी के मुताबिक। तो बैंक इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता और नहीं होता, तो ये हो सकता है क्योंकि वजह ये है कि मेरा दोस्त या मेरी बहन भाई बहन होती है बैंक में, तो किस बैंक में होती है तो नहीं पता लेकिन बता सकता, लेकिन यहाँ के उन्होंने भी 2-3 बैंकों में काम किया है तो उससे उनको पता है कि हाँ भाई जब फ्रॉड होता है और लोगों के 1 मिलियन 2 मिलियन वहाँ से ऐसे गायब होते हैं पानी की तरह, और लोग हाथ पकड़ लेते हैं एक बंदे का तो पता नहीं 1-2 करोड़ रुपये उसका ऐसे ही हुआ था सीन, और बैंक को नहीं कर पाए क्योंकि जब उसके पास कॉल वगैरह आई तो या उसने वैसा अपना दाखार वगैरह डाला तो उसने खुद डाला था, उन्हें खुद सारी चीज़ें की थी, उससे कोई भी बैंक का कोई ताल्लुक नहीं था, तो इसलिए बैंक ने भी उसका कोई सपोर्ट नहीं किया। हाँ लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि बैंक के थ्रू बैंक से कोई हैक हो जाती है या बैंक से कोई फ्रॉड हो जाती है या बैंक को कोई हैक करके उससे पैसा निकाल लेते तो उसमें बैंक जिम्मेदार होते, इसके अलावा कोई और आप खुद अपनी अकलमंदी से किसी चीज़ जगह साइड वगैरह में आप डाल के अगर पैसे ही गवाते हो तो उसमें कोई भी बैंक का जिम्मेदारी नहीं होती और बैंक इससे कोई भी आपको वो पैसा वापस नहीं करता। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल करें कि आप ये दुनिया है भाई, यहाँ बहुत कुछ होता है, यहाँ लोग ना हर जगह ना अब होता है आसान तरीके या फ्रॉड कर लेंगे और लोगों का पैसा लूट रहे होते, तो ये बहुत संभल के चलना चाहिए हमें। अब होता है ये लाइफ है, ज़िंदगी है और छोटी सी है, आप पूरी ज़िंदगी मेहनत आप बजाए होते हो और कोई भी आप छटका करके आपसे पैसा लेके चले जाए तो काफ़ी दुख होता है, वो आप पैसे वाले ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाले क्यों ना, आप एक गरीब बंदे क्यों ना हो, पैसा मैं समझता हूँ अमीर हो या गरीब हो पैसा हर बंदा मेहनत से कमाता है, और जो हलाल से बिल्कुल जो कमाते हैं बिल्कुल एक तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत, और एक ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी पूरी सैलियाँ गायब हो जाती है, तो ये सारी अकलमंदी की चक्कर में तो ये सारी ना किया गए और अपने पैसों की खुद की हिफाजत किया गया, क्योंकि पैसा ही आपका खुद की हिफाजत है, आप उससे ही अपना रिलीज हो आपका सारे मामला चल रहे होते हैं और पैसा ही नहीं लेगा तो यहाँ से चला होगा, तो बिल्कुल शायद कॉल वगैरह कुछ भी हो बिल्कुल होशियार है और समझदार है, और मेरा रिकमेंड है तो आप ऐसी कॉलों को आप बैंक से ही क्यों ना हो, कितना भी घंटा कुछ समझ नहीं आता मैं नहीं दिया तो बैंक भी अलाउ नहीं करता नहीं दिया, और बिल्कुल एक मैं तो बोलता साला आप अपने सगे भाई रिश्तेदारों को भी ये सही नहीं बताया तो ही अच्छा होगा, क्योंकि वक्त अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, वक्त के साथ अपनों का पता चल जाता है, तो वही सारी सीन है कि मैं ये अपनों की बहुत ही बात बोल रहा, लेकिन मैं ये कि फिल्म का डायलॉग था मैंने बोल दिया था तो अच्छा लगा, इंटरटेनमेंट अक्षय कुमार की फिल्म तो एक इसी टॉपिक से मुझे डायलॉग मिला, तो फिलहाल अपना बहुत ख्याल करें भाई, ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, चला के तो होशियार तो आप फंस ना जाए,
आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हो, आपसे भी ज़्यादा कोई ना कोई होशियार बन पाया हो। आज समझते हैं मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, आपसे भी ज़्यादा कोई ना कोई अमीर होगा, आपसे ज़्यादा होशियार होगा और आपसे ज़्यादा चलाक होगा। तो यहाँ चलाकू की दुनिया है, तो आप भी थोड़ा चलाक रहें और बिल्कुल बोगे ना बन जाए, और अपना ख्याल रखें और दुआओं में हमें भी याद रखें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब करने से थोड़ा अच्छा रहता है और आपको आगाह मिलता रहता है कि मैं नई कोई ऑल फॉर वीडियो आने वाली हो, तो ऑल फॉर मतलब क्या, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो आने वाली हो तो आपको मालूम हो जाएगी। इसके साथ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन लंबी तो नहीं हुई, ज़्यादा 10 मिनट की हुई, 10 मिनट आपकी ज़िंदगी गए, लेकिन आपको जो मिला है वो आपकी ज़िंदगी का एक शो मिल गया है कि आपको अभी तक आपने ये वीडियो देखी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इसी के साथ ये वीडियो को ख़त्म करते हैं।